हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटर हब में। आज हम बात करने वाले हैं होंडा की प्रीमियम सेडान होंडा सिटी 2021 के बारे में। आज इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर एंड इंजन एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरियंट्स से। तो इसमें आपको तीन वेरियंट्स ऑफर किए जाते हैं, VVX ZX, एंड अभी आप ये VX वेरियंट को देख रहे हैं जो कि इसका सेकेंड टॉप वेरियंट है। और इसमें आपको मैनुअल और सीवीटी दोनों ही ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे, एंड इसमें आपको डीजल एंड पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इंजन स्पेक्स की बात कर लें तो इसमें आपको दो इंजन ऑफर किए जाते हैं, 1.5 लीटर आईवीटेक पेट्रोल इंजन जो 1498 सीसी का होता है, जो 120 bhp की पावर जनरेट करता है और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क, लगभग आपको 17 की माइलेज मिल जाती है। वही इसमें आपको 1.5 लीटर आईडीटेक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो 1498 सीसी का होता है, जो 100 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, लगभग आपको डीजल में 24 की माइलेज मिल जाती है। अगर होंडा सिटी के कलर ऑप्शन की बात कर लें तो इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गोल्डन ब्राउन, मॉडर्न स्टील, प्लैटिनम वाइट, रेडिएंट रेड, लूनार सिल्वर, ये 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया अपने सेगमेंट के एंड काफ़ी बढ़िया लुक्स आपको मिल जाते हैं होंडा सिटी में। एंड ऐसे कुछ आपको की ऑफर की जाती है जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट खुलने का बटन मिल जाता है, एंड पीछे आपको यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग दी गई है, दोनों ही स्मार्ट की आपको ऑफर की जाती है। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। तो एक्सटीरियर में सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे आपको मस्कुलर सा डिज़ाइन मिल जाता है, काफ़ी आइकॉनिक लुक्स दिए गए हैं होंडा सिटी में। एंड ऊपर से आप गाड़ी की लेंथ देख सकते हैं, गाड़ी की लेंथ बहुत अच्छी खासी रखी गई है, जैसे कि ये और भी प्रीमियम लगती है देखने में। तो सबसे पहले सामने से बात करते हैं तो होंडा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है, एंड उसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम का स्लॉट दिया गया जो कि होंडा की हर कार में आपको देखने को मिलेगा, जो कि लुक्स को और भी इन्हेंस कर देता है। यहाँ पे आपको उसी के नीचे ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी गई है। इस यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं, एंड हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे हैलोजन दिया गया, एंड आपको DRS मिल जाते हैं। हायर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 9 LED सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, एंड उसी के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोइंग का ऑप्शन दिया गया है। तो गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल आपने देखा, यहाँ पे नीचे भी आपको ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी गई है, रेडिएटर ग्रिल, एंड नीचे से इतना कुछ आपको अप्रोच एंगल मिल जाता है, एंड स्पेस आपको देख सकते हैं इतना कुछ यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। तो ये थे ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल जो कि काफ़ी आइकॉनिक और स्टाइलिश लुक लगते हैं देखने में। एंड ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर्स दिए गए हैं वॉशर के साथ में, एंड इसका बोनट जो है काफ़ी लंबा लगता है देखने में, इसकी लेंथ भी अच्छी खासी रखी है ये। एंड बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं होंडा की ब्रांडिंग के साथ में। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल टोन कलर में दिया गया, एंड यहाँ पे सस्पेंशन का ट्रेवल इतना कुछ है। टायर साइज़ की बात कर लें तो 185/55 R16 का आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा व्हील प्रोफाइल, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। अब बात करते हैं ORBIMS की, तो ऐसे कुछ आपको बॉडी कलर्ड ORBIMS देखे हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में, एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORBIMS है और काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। गाड़ी की लेंथ की बात कर लें तो 4.5 मीटर लेंथ है गाड़ी की, एंड हाइट की बात करें तो 1.4 मीटर है, और विड्थ की बात करें तो 1.7 मीटर विड्थ मिल जाती है होंडा सिटी में। तो आप लेंथ देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे रखी गई है, जिससे कि ये और भी प्रीमियम लगती है देखने में। अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे और रियर प्रोफाइल देखते हैं। तो पीछे आप पे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, एंड आगे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए। अब देखते हैं गाड़ी का रियर प्रोफाइल, तो रियर प्रोफाइल भी आगे की तरह आपको पीछे भी बढ़िया स्टाइलिश लुक्स मिल जाते हैं, एंड पीछे से भी काफ़ी बेहतरीन लगती है होंडा सिटी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, एंड पूरा आप लुक देख सकते हैं, एंड ये शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको डिफॉगर दिया गया है, एंड ऐसे कुछ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, यहाँ पे होंडा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है आपको। इधर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको आईवीटेक की बैजिंग दी गई है, और यहाँ पे LED टेल लैंप्स जो कि 3D डिज़ाइन में है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, और इनका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। यहाँ पे आईवीटेक की बैजिंग दी गई है, VX की बैजिंग मिल जाती है जो कि इसके वेरियंट को रिप्रेजेंट करती है, एंड यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है, एंड यहाँ पे आपको सिटी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड नीचे की बात करें तो रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए, एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो ऐसा कुछ है पूरा साइड प्रोफाइल, एंड फ्यूल ऐसा कुछ दिया गया है जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है होंडा सिटी में। एंड पीछे के रियर लुक्स जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। चलिए गाड़ी का बूट खोलते हैं और आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक बटन यहाँ पे दिया गया, एंड बूट स्पेस की बात की जाए तो उसमें आपको 506 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है इस सेगमेंट में। और
स्पेस देख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे अंदर दिया गया है। एंड आपको नीचे स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि अलॉय दिया गया है, आपको टूल किट दी गई है। तो पांचों व्हील आपको यहाँ पे अलॉयस मिल जाते हैं, कोई स्टील वगैरह आपको जो है इसमें नहीं दिया गया। एंड पीछे के रियर लुक्स आप देख सकते हैं। चलते हैं पीछे की सीट्स पे और स्पेस वगैरह दिखाते हैं आपको। तो डोर पैनल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन कलर में पूरा डोर पैनल दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको फैब्रिक टच देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं। तो ये था पूरा डोर पैनल जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड ये रियर कैबिन को अभी आप देख रहे हैं जिसमें इतना कुछ स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको फैब्रिक पॉस्टी दी गई है, पीछे दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से पूरा लेग रूम देखते हैं। तो गाड़ी की लेंथ इतनी अच्छी खासी रखी है जिससे कि आपको स्पेस जो है बहुत बढ़िया मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ मैं। तो इतना कुछ स्पेस आपको बच जाता है, सीट्स में आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं एंड काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे दो एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं पीछे रियर पैसेंजर्स के लिए। उसके नीचे आपको दो 12V के चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। और पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं, पर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड दो हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि फिक्स्ड हैं। एंड यहाँ पे बीच में एक छोटा सा भी हेडरेस्ट दिया गया है, बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें दो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बेस फिनिश में फैब्रिक वॉशिंग मिलती है। एंड पीछे का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिल जाती हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए। एंड यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग दी गई है। VX वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, ऊपर इधर ग्रैब हैंडल दिया गया है कोट के साथ में। एंड पीछे से ऐसा दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू जो कि ब्लैक एंड बेज कलर के फिनिश में है। एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी देखने को मिल जाएगी जो कि इसके इंटीरियर को और भी प्रीमियम बना देती है। अब चलते हैं आगे की सीट्स पे और आगे की सीट पे सारे फीचर्स कवर करते हैं। एंड यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। डोर पैनल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन कलर में पूरा डोर पैनल मिलता है। एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स दिए गए और इधर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का बटन। एंड यहाँ पे आपको ORVM परचेस करने के, फोल्ड करने के सारे कंट्रोल यहाँ पे दिए गए। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे डोर पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं। एंड अभी यहाँ पे फ्रंट कैबिन को देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉस्टी दी गई है। एंड नीचे से आप यहाँ पे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं। बूट खोलने का बटन दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको बोनट खोलने का एंड फ्यूल लिड खोलने का बटन दिया गया है। एंड ये मैनुअल पेडल्स के लिए, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर, AC के वेंट्स जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। एंड ये फ्रंट डैशबोर्ड। चलिए अंदर बैठते हैं, उधर से सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो अभी आप ये होंडा सिटी के VX वेरिएंट का डैशबोर्ड देख रहे हैं जो कि आपको रियल लाइफ में जो है काफ़ी लग्जरी फील कराएगा। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं, दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड जो है टैकोमीटर दिया है, राइट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में MID दी गई है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, सारी चेक लाइट्स आपको मिल जाती हैं। काफ़ी बेहद खूबसूरत लग रहा है इसका इंटीरियर। एंड यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्टेयरिंग दिया गया, लेदर रैप्ड। एंड यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल, कॉल से रिलेटेड कंट्रोल, बीच में आपको यहाँ पे होंडा का लोगो दिया गया है। एंड इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है होंडा सिटी के VX वेरिएंट में भी। एंड इस लीवर के थ्रू आप अपने स्टेयरिंग को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया स्टेयरिंग आपको बढ़िया यहाँ पे दिया गया है। एंड सेंटर कंसोल की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे हेडलाइट का बटन मिल जाता है। यहाँ पे AC के वेंट्स दिए गए हैं सिल्वर फिनिश के साथ में। एंड यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ब्राइटनेस बढ़ाने एंड घटाने का यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। इस बटन के थ्रू आप अपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को घटाया बढ़ा सकते हैं। एंड इंफोटेनमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सबको सपोर्ट करता है। इसमें आपको 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है। एंड ये एलेक्सा सपोर्ट आपको मिलेगा इसमें।
एंड टच परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं आप, एंड सेंटर कंसोल को और भी बेहतरीन बना देता है। एंड नीचे की बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको VX वेरिएंट में भी। एंड उसी के नीचे बात करें तो 12B का चार्जिंग पोर्ट दिया गया, दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे एक मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। एंड नीचे दो कप होल्डर दिए गए। एंड अभी आप एक 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, CVT का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा होंडा सिटी में। यहाँ मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है, यहाँ पे की वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। यह आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना कुछ आपको यहाँ स्पेस ऑफर किया जाता है। एंड यहाँ पे आपको बेज कलर की फिनिश मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। एंड यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है फ्रंट में। तो ये था पूरा इंटीरियर होंडा सिटी के VX वेरिएंट का। एंड ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है कवर के साथ में, एंड इधर भी आपको मिरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक IRVM मिल जाता है, ये रीडिंग लाइट्स। एंड आपको सबसे बढ़िया फीचर यहाँ पे सनरूफ मिल जाती है होंडा सिटी के VX वेरिएंट में, जो कि इंडियंस को काफ़ी पसंद आती है। वन टच आपको यहाँ पे सनरूफ ऑफर की गई है। एंड यहाँ पे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए। एंड विजिबिलिटी आप देख सकते हैं होंडा सिटी की। तो ये था होंडा सिटी के VX वेरिएंट का पूरा इंटीरियर। चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। जिसमें आपको ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थर्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल असिस्ट और 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। अगर प्राइसिंग की बात कर लें तो 11,16,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है और जिसका टॉप एंड वेरिएंट है 15,11,000 एक्स शोरूम जाता है। एंड अभी आप ये जो VX वेरिएंट देख रहे हैं, अगर आप इसको पेट्रोल में परचेस करते हो तो 12,62,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 14,50,000 का ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। वही अगर आप इसको डीजल में लेते हैं तो 14,12,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 16,19,000 का ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। तो ये थी होंडा सिटी अपने सेगमेंट की प्रीमियम सेडान कार। कैसे लगी आपको कमेंट करके जो बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। एंड इस वजह से थैंक्स टू RS अली होंडा लालबाग लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी होंडा कार्स, विजिट दिस शोरूम, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कार्स रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आशीष मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।